जी हाँ दोस्तों, रेलवे परीक्षा 2018 एडमिट कार्ड डाउनलोड को लेकर रेलवे द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना जारी की गई है और दोस्तों इसका नोटिस भी रेलवे की ऑफिशियल साइट के ऊपर जारी कर दिया गया है। दोस्तों वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि उस नोटिस में क्या बताया गया है और आपके लिए क्या महत्वपूर्ण सूचना रेलवे ने जारी की है। लेकिन दोस्तों वीडियो के ऊपर चलें उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों चैनल के ऊपर नए हैं तो आपको वीडियो के नीचे लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा होगा, आपको इसे दबाना है, फिर ये काला हो जाएगा, उसके पास में आ जाएगा बेल आइकन, अब आपको इसके पर क्लिक करके इसे भी ऑन कर देना है। फिर दोस्तों जो भी हम रेलवे एग्जाम से संबंधित वीडियो डालेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप वो वीडियो सबसे पहले देख सकेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं कि रेलवे ने क्या महत्वपूर्ण सूचना जारी की है, तो दोस्तों उसके लिए सबसे पहले आप रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड भोपाल की ऑफिशियल साइट के ऊपर आए। अब दोस्तों आपको यहां पर थोड़ा सा नीचे आने पर एक नोटिस दिखाई देगा, आप देख सकते हैं ये नोटिस 21 अगस्त को जारी हुआ है। दोस्तों इसमें बताया गया है आवश्यक सूचना दिनांक 26/8/2018 को 22 बजे से दिनांक 27/8/2018 को 7 बजे तक सर्वर मेंटेनेंस की प्रक्रिया के कारण एएलपी और टेक्नीशियन की परीक्षा के परीक्षार्थी इस दौरान परीक्षा की तिथि, शहर की जानकारी व परीक्षा के लिए कॉल लेटर डाउनलोड नहीं कर सकेंगे। यानी दोस्तों रेलवे ने आपके लिए महत्वपूर्ण सूचना जारी की है कि आप 26 अगस्त को 22 बजे से पहले पहले ही अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें, वरना आपको 27 अगस्त को सुबह 7 बजे के बाद ही एडमिट कार्ड डाउनलोड करने पड़ेंगे क्योंकि इस टाइम तक यहाँ पर सर्वर की मेंटेनेंस की प्रक्रिया जारी रहेगी, इसलिए आप साइट के ऊपर से एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर सकेंगे। तो दोस्तों ये आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना थी, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और अपने सभी दोस्तों से शेयर जरूर करें ताकि सभी को ये खबर मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।